नमस्कार दोस्तों, रुलानिया क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हमारे नए मेहमानों से निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में बनी हुई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बिहार सरकार की जो पंचायती राज विभाग है उसके अंदर मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली जो पक्कीकरण निश्चय योजना अंतर्गत लेखापाल और सह आईटी सहायकों एवं तकनीकी सहायकों के चयन संबंधी ये सूचना है उसके बारे में। तो इसके लिए हम बात करें तो पद का नाम की बात की जाए तो पद का नाम है तकनीकी सहायक और पदों की संख्या है 2096 और सुविधा के आधार पर नियोजन के लिए जो निर्धारित प्रतिमाह मानदेय है वो 27,000 रुपये है, यानी ये संविदा के आधार पर है। फिलहाल आगे जब कोई भी सरकार का रूल चेंज होगा तो स्थायी भी हो सकते हैं। इसके बाद योग्यता की बात की जाए तो मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद लेखापाल से आईटी सहायकों की बात की जाए तो पदों की संख्या है 2096 और इसकी जो पेमेंट रहेगी वो 20,000 रुपये प्रति मंथ रहेगी और इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम उत्तीर्ण एमकॉम सीए करने वाले अभ्यर्थियों को 20 अंकों का बोनस दिया जाएगा और इसकी टोटल जो पोस्ट होगी वो लगभग 4200 के समथिंग इसकी टोटल पोस्टें होगी, वो काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। उसके बाद संयोजन पर नियोजन हेतु पात्रता की बात की जाए तो आवेदक भारत का नागरिक हो, उम्र सीमा विज्ञापन की तिथि को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रावधान के अनुरूप होगी, यानी इसकी जो एज की गणना की जाएगी वो 22 से 2000 के अनुसार अधिकतम उम्र जो उम्र सीमा है वो निम्नवत लागू होगी, यानी इनका जो नियम बना था 22 से 2006 को उसके आधार पर। तो अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष की जो मैक्सिमम एज है वो रहेगी। आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन के द्वारा जो आवेदक है के द्वारा किसी एक जिले में आवेदन किया जा सकता है। यदि दोनों कोई अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए अर्हता रखते हो तो दोनों पदों के लिए भी अलग अलग आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है, ये लिंक इस पर आपको करना है और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा जिलावार आरक्षण कोटिवार रिक्ति का विवरण विभागीय वेबसाइट पर इस लिंक पर ये 16 अगस्त 2000 से उपलब्ध 2018 से उपलब्ध हो गए। वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम अनुसार ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जा सकेंगे। इसके बाद लेखापाल से आईटी सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो बीकॉम में प्राप्त प्रतिशत अंक इस प्रयोजनार्थ अंक माने जाएंगे। बीकॉम के उपरांत एमकॉम सीए करने वाले अभ्यर्थियों को 20 अंकों का बोनस दिया जाएगा। बीकॉम में प्राप्त अंकों तथा उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची बनाई जाएगी। चयनित कर्मियों को 3 माह में कंप्यूटर दक्षता प्राप्त करनी होगी, वो ये कोर्स खुद करवा दिए। तकनीक सहायक के लिए बात की जाए तो इसके लिए योग्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होगी। ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थाओं से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे। मेगा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले जो उम्मीदवार उसको वरीयता दी जाएगी। जो दोनों पदों पर चयन जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होगा, उप विकास आयुक्त उपाध्यक्ष होगी, ये इनके जो दिए हैं प्रावधान। और तो संविदा एकारनामा की ये चयन संकल्प 4046 दिनांक 25/7/2018 के आलोक में किया जाएगा, जिसकी प्रति विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। संविदा के शर्तों के अनुसार ये भर्ती की जाएगी। अब देखते हैं इसकी संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे, न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। उनका नियोजन संकल्प संख्या 4046 दिनांक 25/7/2018 के अधीन होगा। और तो दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतनी है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार की लेटेस्ट जॉब एजुकेशन और एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में के लिए इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।